Students, how are you? Hope you are fine. So today we are going to start your subject in math, and for class 3rd students, and your first chapter is numbers. इसमें हम लोग जानेंगे कि numbers क्या होते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने कुछ points भी लिखे हुए हैं, इसमें आप लोग जाना है numbers. पहला आपका point है numbers. Numbers क्या होते हैं? Numbers आप daily life में use करते हो, किसी भी चीज को count करना है तो उसे एक form में कैसे लिखेंगे, ये numbers हमारी help करता है. जैसे कि आप कोई भी चीज काउंट कर दो तो आप कैसे कर सकते हो, फिंगर्स पे कर सकते हो, कोई भी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो, लेकिन अब आप लोग लिखोगे कैसे, तो आप लोग को हेल्प चाहिए होती है नंबर्स की. एक फॉर्म में लिखने के नंबर आपके सामने कोई भी हो सकते हैं, 2, 3, 5, 4 कुछ भी, ठीक है. अब आपका सेकेंड पॉइंट है डिजिट. डिजिट क्या होता है? जो आपका एक सिंगल नंबर होता है आप उसको डिजिट कहते हैं, ठीक है. जैसे कि आपका 2 है, ठीक है, तो ये आपका डिजिट हो गया. तो अब ये सिर्फ एक नंबर है ना, सिर्फ एक नंबर है, ये सिर्फ 1 डिजिट है. अगर इसके साथ में हमने एक और नंबर ऐड कर दिया, कोई भी नंबर हमने ऐड कर दिया, अब ये आपका कितने नंबर है, 1, 2, कितने नंबर हो गए, कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए. इसी के साथ में हम फिर कोई और नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है. अब ये कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, इसका मतलब ये कितने डिजिट के हैं, 3 डिजिट. क्लियर? इसमें आपका है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट में हम लोग ये जानेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, ठीक है. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका होता है 1. स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, ठीक है. अब आपका क्या होता है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर सिर्फ 1 डिजिट, ठीक है. सबसे लार्जेस्ट नंबर आपका होता है 9. क्यों? 9 के बाद से आप लोग जाओगे वो तो 10 हो जाएगा. अब तो ये 2 नंबर हो गए, 1, 2 डिजिट हो गया ना, तो ये तो आपका अब लार्जेस्ट रहा नहीं, यानी कि इससे पहले क्या आ जाना है, 9. तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर है और 1 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है. क्लियर? इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो आप क्या करोगे, 1, 0, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट आपका है और सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, 19, ठीक है. अब इसमें भी देखो आप लोग क्यों देखो, अगर 10 से पहले आप लोग जाओगे, 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है, तो 9 तो आपका सिर्फ 1 ही डिजिट है, तो आप ये तो कर नहीं सकते. और अगर 10 के बाद से आप 11 जाते हो, ठीक है, 11 जाते हो, 12 जाते हो, अगर जो भी इसके आगे नंबर्स हैं अगर आप वहां जाते हो, तो फिर आपको तो सबसे छोटा पूछा गया, सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो यही है, तो इसलिए आपका सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, और सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, क्योंकि आप इसके बाद से जाओगे तो आपका 100 हो जाएगा, तो 100 तो आपका 3 डिजिट हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोग क्या क्या जानते हैं, 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, और सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है 9, ठीक है. ये तो 1 डिजिट का हुआ, अब 2 डिजिट का हम लोग करेंगे, तो 1, 0, ये आपका 2 डिजिट हुआ. इसलिए आप लोगों को करना क्या होता है कि आप लोगों को हमेशा सिर्फ पहला जो लेटर होता है, पहला नंबर होता है, वो आपको 1 लिखना होता है, और उसके बाद से आपको सिर्फ यहाँ पे आगे 0 बढ़ाते करते हैं, ठीक है. जितने भी डिजिट का पूछा जाएगा, 3, 4, 5, मान लीजिए अगर 4 डिजिट का पूछा जाता है, तो आपको 4, 0 नहीं बढ़ाओगे. एक तो आप लोगों ने नंबर बढ़ा दिया 1, और उसके साथ में 1, 2, 3, 3, 0 बढ़ा दिया, ठीक है. अब आपका 4 डिजिट हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट हो गया. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ाते जाते हैं, हमारा डिजिट बढ़ता जाता है. ऐसे ही सेम हम लोग 9 में करते हैं, 9 है हम लोग 1 डिजिट, अगर 2 डिजिट करेंगे तो हम 99 पाएंगे, 3 डिजिट करेंगे तो 999 पाएंगे, हो जाएगा. क्लियर है? आई होप क्लियर. इसके बाद से हम जानेंगे यूज, ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल, ठीक है. ग्रेटर देन लेस देन में क्या होता है, कोई भी आपका नंबर लिखो, कोई भी, मान लीजिए 25,
एंड 35। अब ये बताइए ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा हम लोग का 35 है ना, तो हम लोग का जो ग्रेटर देन जो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, तो जो भी नंबर हम लोग का बड़ा होता है हम उसकी तरफ इसका मुंह खुला रखते हैं, और जो भी नंबर छोटा होता है उसकी तरफ इसका मुंह बंद रहता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 15 लिखा है और सेम एज 15 लिखा हुआ है, अब तो ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग कैसा निशान सिंबल यूज करेंगे? इक्वल का। क्लियर है? इसके बाद से हम लोग जानेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग में हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर इधर उधर लिखा होता है उसे हम लोग सीरियल वाइज कम से ज्यादा लेके जाते हैं। जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहले एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, ऐसे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं असेंडिंग के लिए 5, 3, 10, 9, ऐसे चार नंबर्स लिखे हुए हैं, हम लोग इसको असेंडिंग फॉर्म में करते हैं, क्या असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नीचे से ऊपर जाना है ना, तो पहले इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3। आपका 3 हो गया। इसके बाद से आपका कौन सा नंबर बड़ा है? 5 कर लेंगे। इसके बाद से ये दोनों आपके हो गए, अब इन दोनों में से आपका बड़ा कौन सा है? 9। अब ये आपका हो गया सिंगल, एक बचा हुआ है, ये आपका हो गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, बट ये जस्ट अपोजिट होता है असेंडिंग के। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यही नंबर लिखा होता है पर हम लोगों को इसको डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग हम लोग सीढ़ी से जब छत पे चले जाते हैं तो उससे उतरना होता है ना, हम लोग उल्टा आते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर आपका इसमें कौन सा है? 10। हम लोग 10 लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद से 3 नंबर बचे हुए हैं, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 9। अब ये दोनों नंबर हो चुके आपके 3 और 5 बचे हुए हैं, इनमें से आपका बड़ा नंबर कौन सा है? तो ये है आपका 5, उसके बाद क्या बचा है? 3। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट अगला, मिसिंग नंबर्स। ठीक है, मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं? कुछ नंबर्स लिखे होते हैं बट उनके बीच में डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं 10, 14, 18, इसके आगे हमें सिर्फ एक और दो भरना है। ठीक है, दो फिल करना है बॉक्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले ये पहले पहला और दूसरा नंबर लिखेंगे। ठीक है, 10 एंड 14, हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कितने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 14 में से जब 10 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या कितना बचेगा? 4। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग जब इसको और इसको देखेंगे तो इन दोनों को जब हम लोग देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4। मतलब हम लोग को यही देखना रहना है कि अगर 10 के बाद से अगर हम लोग इसमें 4 और ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 14। अब 14 में अगर हम लोग 4 और ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 18। इसी के साथ आपको दो बॉक्स और फिट करने हैं, तो आप लोग क्या सिंपली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग 18 में भी क्या करेंगे, हम लोग 4 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। ऐसे एक और बॉक्स है, इसमें भी जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप लोग को मिसिंग नंबर समझ में आ गया होगा। इसी वजह से हम लोग अपना अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? आपको कई सारे नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, कई सारे नंबर, जैसे आपको ये देखना होता है कि सबसे बड़ा कौन सा है और उसमें सबसे छोटा कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, ये 4 नंबर से इनमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, 4 है, 35, 25, 36, 27, इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें आ रहा है 25। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मे
यकीन करती हूँ कि आप लोग पहचान लेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, काफी क्लियर है। अगर आप लोगों को इसमें पता करना है, इसी ही नंबर्स में अगर आपको पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ठीक है, नंबर 35 है, 45, 36 है, 27 है, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि 25 का हमारा छोटा हो गया, तो अब हम लोगों को इसको टच नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम लोग का इसमें सबसे बड़ा है 36, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हो गया है और कोई अगर डाउट भी है तो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन उसके साथ में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं जिसको आपको घर पे बैठे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो होमवर्क नोट करिए, तो इस तरह से आपका होमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका द लार्जेस्ट डिजिट नंबर, आपको इसमें दो अंक के नंबर लिखने हैं जो सबसे बड़ा हो, फिर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, इसमें आपको तीन अंक के सबसे छोटे नंबर लिखने हैं, फिल इन द मिसिंग नंबर्स, इसमें आपको बताया है मिसिंग नंबर, अगर आप वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इसको कर सकते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें आपको क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन दिया है आपको इसी का असेंडिंग भी निकालना है और डिसेंडिंग भी, आपको ये दोनों क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। ऐसे फाइव क्वेश्चन है आपको, फाइंड आउट द सम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों इसी में से पूछना है, ठीक है। उसमें आप लोग पॉइंट डाल दीजिएगा स्मॉलेस्ट, उसके सामने स्मॉलेस्ट लिख दीजिएगा, लार्जेस्ट लेके लार्जेस्ट नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का वीडियो का पार्ट वन खत्म हुआ, इसके बाद से हम लोग आपसे फिर मिलते हैं पार्ट टू में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।